अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं अख्तियारी के लिए स्नैक्स में बना रही हूँ क्रिस्पी आलू ब्रेड रोल। तो क्रिस्पी आलू ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आइए, तो ये देखें, इधर ये है मैंने ये ब्रेड क्रम्स, ताज़ी ब्रेड थी जिसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया। और ये इधर मैंने 5 से 6 आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल करके ठंडा करके तोड़ दिया है हाथ से। और ये मैंने कुछ सूखे ड्राई मसाले लिए हैं जिनमें लिया है मैंने 7 अनुसार नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और ये है 1/2 चम्मच गरम मसाला। और इधर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज कट कर लिया बारीक करके। और ये मैंने एक मुट्ठी लिया है हरा धनिया जिसको धो करके छाट के मैंने अच्छे से साफ करके काट लिया है। और इधर मैंने ये मैदे की स्लेटी ली है, इसको मैंने तैयार करके रख लिया है। और इधर मैंने ये 7 से 8 लिए हैं ब्रेड। तो ये देखिए, ब्रेड को मैंने इस तरह से फ्लैट कर लिया है बेलन की मदद से बेल करके। तो चलिए इनको बनाना हम इसका मसाला शुरू करते हैं। तो ये लिया है मैंने आलू, और आलू हमारे ठंडे हो गए हैं तो इसमें मैं ऐड करूँगी ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है मेरे प्यारे बहन भाई। रमज़ान के टाइम में आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को बना कर खिलाइएगा, आपके घर में सब खुश हो जाएंगे माशाल्लाह से। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें सारे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स हाथ की मदद से इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको चीज़ नहीं है तो आप इसमें पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास पनीर भी नहीं था और चीज़ भी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए आज मैं ये आपके साथ आलू को शेयर कर रही हूँ। ये आलू के भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा माशाल्लाह से। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो इस तरह से हमें इसका मसाला रेडी करके रख लेना है। देखिए देखिए प्यारे बहन भाई, मसाला हमने इसका रेडी कर लिया है। तो अब हम इसको स्टफ करना ब्रेड में शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए प्यारे बहन भाई, ब्रेड हमने रख ली है एक प्लेट पर। और ये लिए है मैंने मेयोनीज़। अगर आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मेयोनीज़ का। तो ये देखें, ये मैंने 1/2 चम्मच मेयोनीज़ ले ली है। और इस तरह से हमें इसको स्प्रेड करते जाना है इस तरह से। तो ये देखें, मेयोनीज़ को मैंने अच्छे से लगा लिया है। और मैं लगूँगी थोड़ा सा इसमें से ये आलू का मसाला। तो इस तरह से हमें इसे रोल करना है इस तरह से। तो ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया है। और अब हमें इसे लगाना है ब्रेड में, और अब हमें इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये रोल बनकर तैयार हो गया है, ये देखें। तो इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको रोल बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह से मुझे इसको मेयोनीज लगानी है हल्के हल्के हाथ से। ब्रेड हमारी टूटे नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से हमें ये आलू का बैटर लेना है, इसका हमें रोल बना लेना है। देखिए इस तरह से ब्रेड के साइज़ का ही आपको रोल बनाना है इसका आलू का। तो ये देखिए रोल हमारा ये तैयार हो गया, दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरह से। और इस तरह से हमें इसमें रखना है ब्रेड में, और इस तरह से हमें इसको रोल करते जाना है इस तरह से। तो ये देखिए कितना इजी है इसको बनाना, और जितना इजी इसको बनाना है खाने में उतने ज़्यादा ही यमी है। और इस तरह से हमें इसको फिक्स, इस तरह से हमें इसको फिक्स कर लेना है ताकि ये फ्राई होने में खुले नहीं। तो ये देखें
अभी मैं सारे रोल बना करके तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारे रोल बन के तैयार हुआ है। प्यारे बहन भाई, सारे रोल हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको मैदे की स्लेरी में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में रोल बनूँगी। तो चलो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसको करूँगी। ये हमने एक ब्रेड उठाया और इसको इस तरह से हमें मैदे में डिप किया। इसको हमें इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमें इसे कोट कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छे से हमने इसको कोट किया है। ये बार और इसी तरह से हम बाकी के रोल भी तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हमने लिया रेड क्रम्स और इस तरह से हमें इसे इसमें कोट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से चारों साइडों से। ही देखिए तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे रोल भी बना करके तैयार करके रख लेती हूँ। और इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रीज कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्यारे बहन भाई, सारे रोल मैंने रेडी करके रख लिए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज करूँगी, तो 10 मिनट के बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। प्यारे बहन भाई, ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम एक एक करके ब्रेड रोल को फ्राई करना शुरू करते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ ऑयल का टेम्परेचर, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। तो चलिए अब हम बड़ी एहतियाती से एक एक करके रोल इसमें छोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे बहन भाई, आप भी एक बार ये क्रिस्पी पोटैटो आलू रोल की रेसिपी ज़रूर बना के खाइएगा और अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। माशाल्लाह से आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें एक बार में जितने भी आ सकें तो डाल दें। तो ये मैंने 4 से 5 इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको पहले हम एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर का होने देंगे, फिर इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। तो चलिए अब इनको हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से मैं, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा रोल के ऊपर कलर आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता से हमें ऐसे ही सारे रोल को पलट लेना है। ये देखें कितना अच्छा लाइट ब्राउन कलर आया है, लेकिन हमें इन्हें अभी डार्क गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई करने हैं। और आप चाहें तो इन्हें हरी चटनी के साथ में या केचप के साथ में, जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ में सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है इन पर, और देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी ये उतने ही ज़्यादा यमी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये क्रिस्पी पोटैटो की रोल की रेसिपी कैसी लगी। देखिए हमारे क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड रोल कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से आपको इन्हें निकालते जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड रोल कितने अच्छे रोल कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। देखो आपका आवाज़ भी सुनाती हूँ, देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं। तो ये हमारे बन के हो गए हैं रेडी। तो आपको मेरी ये क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड रोल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आपकी हेल्प से मैं बहुत आगे तक जाऊँ और हमेशा आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करती रहूँ। तो अब रोज़े का टाइम हो गया है हमारा भी बराबर से और आप सबका भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।